हेलो फ्रेंड्स, आरचीएल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग ये एक नई सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ। आरचीएल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग, इस नई सीरीज़ में हम लोग रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 6.0 की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ट्रेनिंग लेंगे। आरचीएल को कैसे एडमिनिस्ट्रेटर करना है, कैसे सर्वर्स सेटअप करने हैं, कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कैसे यूज़ करना है, ऑल ओवर आरचीएल कोर्स यहाँ पे मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो बिफोर स्टार्टिंग इंस्टॉलेशन ऑफ आरचीएल एंड कॉन्फ़िगरेशन वेरियस सर्विसेज ऑन आरचीएल, हम लोग सबसे पहले बेसिक्स पे थोड़ा फोकस करेंगे कि व्हाट इज़ द लिनक्स, कहाँ से आया, बेसिकली लिनक्स है क्या और क्या क्या कर सकता है क्या है? तो सबसे पहले हम लिनक्स के बारे में देखते हैं, लिनक्स बेसिकली है क्या। तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो ट्यूटोरियल है, इसमें हम सिर्फ बेसिक देखेंगे एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर we will start installation and administration series of RHEL. So let's start. So first topic is introduction to Linux. अब ये तो सबको पता है, Linux is a operating system. लेकिन किस तरह का operating system है? Operating system क्या होता है? Operating system is the मीडियम और इंटरफेस बिटवीन योर हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। दैट मींस जैसे अगर आप विंडोज़ एनवायरनमेंट की बात करें तो विंडोज 7 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक मीडियम है और एक इंटरफेस है बिटवीन योर सिस्टम हार्डवेयर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7। अब अगर हम लिनक्स की बात करें तो लिनक्स में इस तरह के कोई सॉफ्टवेयर्स नहीं होते, वहाँ पैकेजेस होते हैं, सर्विसेज होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो लिनक्स है वो जो है सिस्टम हार्डवेयर और सर्विसेज के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सर्विसेज दैट मीन्स बिकॉज जो सर्वर्स हम सेटअप करेंगे, जो सर्वर्स हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, वो सारे के सारे सर्वर्स जो है एज अ सर्विसेज वर्क करते हैं। सर्वर्स मतलब सर्विसेज। तो लिनक्स जो है बेसिकली यूज़ किस लिए किया जाता है? सर्वर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जो लिनक्स है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर, सिस्टम हार्डवेयर और सर्विसेज के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है या एक मीडियम है। ओके, नेक्स्ट, डेवलप्ड बाई लिनस टॉरवाल्ड इन 1991। लिनक्स को सबसे पहले लिनस टॉरवाल्ड ने बनाया था, मतलब पूरा का पूरा लिनक्स का कोड जो है, ये एक जीनियस थे कंप्यूटर साइंटिस्ट लिनस टॉरवाल्ड, उन्होंने पूरा का पूरा ओएस लिखा था लिनक्स का। उस टाइम पे एक और ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था यूनिक्स, जो कि ओपन सोर्स नहीं था। लिनक्स टॉरवाल्ड ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बहुत ही हैवी प्रोजेक्ट था, जिसमें उन्होंने ये सोचा कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाए जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जिस पे पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड एक साथ वर्क कर सके, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ और एक साथ सभी लोग उस पे काम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स दे कैन चेंज द कोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स टॉरवाल्ड ने इस तरह का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और उसके बाद में उसको ओपन सोर्स कर दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबके लिए। लिनक्स में है मैनी डिस्ट्रीब्यूशंस। जब लिनक्स ने ऐसा एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर लिया जो कि बेसिक लिनक्स था, जिसे हम लिनक्स बोलते थे, वो बनाया था लिनस टॉरवाल्ड ने और उसको जो है ओपन कर दिया सभी के लिए कि आप डाउनलोड कीजिए और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंजेस कीजिए इसमें, इससे इसको इसके कोड के साथ आप खेल सकते हो, प्ले कर सकते हो। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन
और एंटरप्राइजेस ने क्या किया कि उस कोड को लेके अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स दे चेंज द कोड और डेवलप देयर ओन लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दे कॉल्ड डिस्ट्रो और डिस्ट्रीब्यूशंस लाइक रेड हैट, उबंटु, बैकट्रैक, खाली लिनक्स, फेडोरा, एंड्रॉइड, दे ऑल आर डिस्ट्रोज ऑफ लिनक्स. मीन्स ये सारे के सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, रेड हैट है, उबंटु है, बैकट्रैक है, खाली लिनक्स है, फेडोरा है, ये सारे के सारे लिनक्स बेस पे बने हुए हैं. मतलब मेन लिनक्स को चेंज करके, मॉडिफिकेशन करके इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाया गया है. सो लिनक्स जो है वो एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स लिनस टोरवाल्ड ने बनाया था. आफ्टर दैट बहुत सारे उसके डिस्ट्रीब्यूशन आए जो कि पॉपुलर हो गए. रेड हैट है, उबंटु है, बैकट्रैक है, फेडोरा है, एंड्रॉयड है. एंड्रॉयड आई थिंक आज कल सारे लोग यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में. तो वो भी एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो ये सारे के सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे ये इन्हें कहते थे डिस्ट्रो. डिस्ट्रो मीन्स जो कि लिनक्स से बनाए गए हों, लिनक्स को मॉडिफाइड करके बनाए गए हों, वो होते हैं डिस्ट्रोस, डिस्ट्रो या डिस्ट्रीब्यूशंस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बोथ लिनक्स एंड यूनिक्स आर द डिफरेंट वेज. बिकॉज लिनक्स यूनिक्स एक सेम प्रोनाउंसिएशन देते हैं तो ऐसा लगता है कि लिनक्स जो है यूनिक्स से बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है. डोंट कन्फ्यूज बिटवीन द लिनक्स एंड यूनिक्स, बोथ आर डिफरेंट वेज. जिस टाइम पे लिनक्स बन रहा था उस टाइम पे यूनिक्स जो है एग्जिस्ट करता था और ओपन सोर्स नहीं था, उसके लिए पे करना पड़ता था. आज की डेट में यूनिक्स भी ओपन सोर्स है, लेकिन आज की डेट में उसके लिए भी पे करना पड़ता है और लिनक्स के लिए भी पे करना पड़ता है. तो लिनक्स और यूनिक्स बोथ आर डिफरेंट ओएस. डोंट कन्फ्यूज कि लिनक्स जो है यूनिक्स से बना हुआ है. ओपन सोर्स एंड फ्री ओएस, सभी जानते कि लिनक्स जो है ओपन सोर्स है और फ्रीली ऑपरेटिंग सिस्टम है. बहुत सारे लिनक्स के डिस्ट्रोज फ्रीली अवेलेबल हैं ऑन इंटरनेट. ट्रस्टिक्स लिनक्स इज द मोस्ट सिक्योर लिनक्स. इट्स ऑल्सो डिस्ट्रो ऑफ लिनक्स जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड लिनक्स है और सर्वर सेटअप्स करने के लिए ही यूज़ किया जाता है. ट्रस्टिक लिनक्स को ना कोई हैक कर सकता है, ना कोई वायरस इसमें अटैक कर सकता है. तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर लिनक्स है. DSL टाइप लिनक्स आर द स्मॉलेस्ट लिनक्स. अब आपने बहुत सारे फायरवॉल्स देखे होंगे, रूटर्स देखे होंगे, या फिर बहुत सारी डिवाइसेस देखी होंगी जिसमें बहुत ही छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है. और उस ऑपरेटिंग सिस्टम वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो भी लिनक्स पे ही डेवलप्ड होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं DSL टाइप लिनक्स, जो जिन्हें इंस्टॉल होने के लिए मैक्सिमम 53 MB और 50 MB की रिक्वायरमेंट होती है और उसी पे वो अच्छे से वर्क करते रहते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन. नाउ वी फोकस ऑन ओपन सोर्स. ओपन सोर्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स और लोग ये समझते हैं कि ओपन सोर्स का मतलब फ्री होता है, लेकिन ऐसा नहीं. ओपन सोर्स का मतलब फ्री नहीं होता है. ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आपको ये ऑथेंटिकेशन है कि आप उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड देख सकते हैं, जो सोर्स कोड है, जिस लैंग्वेज में वो लिखा है, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो लिखा है, आप उसका पूरा का पूरा कोड देख सकते हो. ये मतलब है ओपन सोर्स का. उसके भी बहुत सारे लाइसेंसिंग होती है और बहुत सारी मेंटेनेंस होती है, अलग ही ट्रेडमार्क्स होते हैं, तो वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे. ओके, ओपन सोर्स जैसा कि मैंने अभी बताया, ओपन सोर्स जो है, ओपन सोर्स का मतलब फ्री नहीं है. इसका मतलब है कि आपको ये ऑथेंटिकेशन है कि आप उसका जो है सोर्स कोड देख सकते हो. इट्स नॉट अ फ्री, डिपेंड ऑन लिनक्स ओएस. मींस आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, वो डिपेंड करता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन पे जो उसे प्रोवाइड करा रही है, वो आपको फ्रीली प्रोवाइड करा रही है या कुछ पेमेंट ले रही है आपसे, वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे. बट जो लिनक्स का यूज़ है, ऐसा नहीं है कि आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा, कोई लाइसेंसिंग नहीं लेनी पड़ेगी. इसके लिए भी आपको लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई सर्वर सेटअप कर रहे हो, तो लाइसेंसिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि फ्रीली अवेलेबल है, आपने लाइसेंसिंग को नहीं समझा और उठा के उसको यूज़ में ले आए इन कमर्शियल यूज़ फॉर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप अपना करियर डिस्ट्रॉय करेंगे और उस कंपनी को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो लाइसेंसिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लिनक्स प्रोवाइड कराती हैं, वो चार तरह से पेमेंट लेती हैं, चार तरह से पेमेंट लेती हैं। नंबर फर्स्ट फॉर सपोर्ट, लाइक माई एस क्यूएल, आप सभी ने सुना होगा, माई एस क्यूएल इज डेटाबेस सर्वर। माई एस क्यूएल जो है उसका कॉमर्शियल, एंटरप्राइज लेवल, होम लेवल और स्टूडेंट लेवल, सारे के सारे जो वर्जन्स हैं वो सभी के सभी फ्री प्रोवाइडेड हैं। सारे के सारे जो वर्जन्स हैं वो फ्री प्रोवाइडेड हैं और ओपन सोर्स हैं। लेकिन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर जब कोई भी पर्सन अगर उनसे कांटेक्ट करता है कि मुझे इस पर्टिकुलर क्वेरी में या फिर मुझे इस पर्टिकुलर डेटाबेस पे ट्रेनिंग चाहिए या फिर सपोर्ट चाहिए, तो फिर वो उससे चार्ज लेते हैं उस चीज़ का। अगर आपको माई एस क्यूएल का ट्रेनिंग लेनी है, तो वो आपसे चार्ज करेंगे, आपको चार्ज करेंगे। तो ये होता है फॉर सपोर्ट, मतलब वो सॉफ्टवेयर फ्री में प्रोवाइड कर देंगे आपको, लेकिन जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो वो आपको चार्ज करेंगे उस चीज़ का। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल यूज़, लाइक मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स के, वो फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। और फॉर द होम यूजर्स एंड द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, मींस जो कि होम यूजर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फ्री है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फ्री है। बट अगर आप उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को उठा के अपने किसी कमर्शियल यूज़ में लेके आते हैं, जहाँ पे आप उन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं और मनी अर्न कर रहे हैं, देन यू नीड टू परचेज द लाइसेंस। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ को बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि ये फ्री है। फोकस ऑन दिस टॉपिक कॉमर्शियल यूज़। सो यू नीड टू बाय द लाइसेंसिंग टू यूज़ द लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, बाय सॉफ्टवेयर्स जस्ट लाइक एडोबे एंड अदर माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर्स। यू कैन जस्ट बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर बेस्ड ऑन लिनक्स। इसमें बेसिकली ये डायरेक्टली हमसे पैसे लेते हैं और हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर देते हैं, सिंपली सिंपल फंडा, नो कॉम्प्लेक्सिटी। देन नेक्स्ट लाइसेंसिंग स्टेट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमारा एंटीवायरस होता है, हम एक लाइसेंस लेते हैं पर्टिकुलर, एक 1 ईयर लाइसेंस आता है, फिर उसके बाद फिर से लाइसेंस लेते हैं, फिर 1 ईयर लाइसेंस आता है, फिर हमको पे करना पड़ता है, एंड अगेन 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 हम पे करते रहते हैं। सेम लाइसेंसिंग यहाँ पे ओपन सोर्स में होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं जो इस तरह के लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं, जो 1 ईयर का लाइसेंस प्रोवाइड किया, फिर उसके बाद उस लाइसेंस को अगेन 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 रिन्यू कराना पड़ता है कॉमर्शियल यूज़ के लिए। तो ये जो चार तरीके हैं, इन चार तरीकों से जो हमारा वेंडर है, जो हमें लिनक्स प्रोवाइड करा रहा है, वो मनी अर्न करता है। ठीक है, तो ओपन सोर्स का मतलब फ्री नहीं है, ओपन सोर्स के लिए भी हमें लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होने जा रहे हो, तो इस चीज़ की आपको नॉलेज होने बहुत ज़रूरी है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा लाइसेंस लेना ज़रूरी है। ओके, देन रूट, रूट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनीथिंग इन लिनक्स। मींस रूट जो है एक मतलब सुप्रीम लेवल है लिनक्स में, मतलब किसी भी चीज़ का सुप्रीम लेवल। अगर हम यूजर्स की बात करते हैं, अगर हम यूजर्स की बात करते हैं, तो जो रूट यूज़र है वो सुप्रीम यूज़र है इन लिनक्स में। जैसे विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, वो सुप्रीम यूज़र होता है, वो कुछ भी कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है, अनइंस्टॉलेशन कर सकता है, कोई भी चेंजेस कर सकता है। ऐसे ही रूट यूज़र जो है लिनक्स में, वो कुछ भी कर सकता है,
कोई भी चेंजेस कर सकता है, कोई भी फाइल डिलीट कर सकता है, कोई भी फाइल ओपन कर सकता है, परमिशन लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो रूट के पास सारी परमिशंस होती हैं। अब स्लैश इज द सुप्रीम पार्टीशन इन लिनक्स, पार्टीशन वेयर अवर ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड। जैसे विंडोज में होता है सी कॉलन स्लैश इज द सुप्रीम पार्टीशन, जहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जाके इंस्टॉल्ड होता है, वैसे ही हमारा जो लिनक्स है वो एक स्लैश पार्टीशन के अंदर इंस्टॉल्ड होता है। हम स्लैश पार्टीशन बनाएंगे, इंस्टॉलेशन के अंदर ये पूरा पार्ट देखेंगे हम, स्लैश पार्टीशन उसके अंदर कौन कौन से पार्टीशन बनाते हैं। तो स्लैश पार्टीशन के अंदर हम और पार्टीशन बनाते हैं, वहाँ पे जाके हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। तो स्लैश इज द हाइएस्ट और सुप्रीम पार्टीशन इन लिनक्स। और लास्ट टॉपिक मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, रूट यूज़र कैन डू एनीथिंग, वो कोई भी फाइल चेंजेस कर सकता है, कोई भी फाइल ओपन कर सकता है। कैपिटलाइजेशन, नाउ अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं देन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी जब आप लिनक्स पे मूव करेंगे, क्योंकि इन विंडोज़ होम जो मैंने लिखे हैं वह कई तरह के होम, ये बिल्कुल सेम तरीके से यूज़ किए जाते हैं। अगर आप होम फोल्डर बनाएंगे और उन किस कोई भी नाम इनमें से दे देंगे तो वो सेम ही आइडेंटिफाई होगा फॉर द विंडोज़, बट इन लिनक्स, लिनक्स में अपर केस और लोअर केस अल्फाबेट्स ट्रीट एज डिफरेंट। मतलब अगर आप अगर होम फोल्डर अगर इस तरह से अलग अलग फोल्डर बनाते हैं तो वो अलग अलग ही माने जाएंगे, तो एक फोल्डर नहीं होगा। यू कैन क्रिएट दीज फोर फोल्डर्स इन लिनक्स, बट अगर आपने विंडोज़ में कहीं एक होम फोल्डर इस तरह का बना लिया है तो आप इस तरह की होम फोल्डर्स नहीं बना सकते, क्योंकि ये सेम ट्रीट किए जाते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं किया जाता इन विंडोज़ और लिनक्स जो है इन सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स में डिफरेंट करता है, डिफरेंस करके चलता है, क्योंकि ASCII कोड्स में डिफरेंस होता है। तो उसी वजह से यहाँ पे सारे के सारे इन वर्ड्स को एज अ डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करेगा। विंडोज़ फ्रेंडली यूजर्स फेस द प्रॉब्लम्स, मतलब अगर जो विंडोज़ से आ रहे हैं उन्हें मतलब कैसे भी कैपिटल्स में लिखने की आदत है, स्मॉल केस और अपर केस, लेकिन लिनक्स में आके हमें अपर केस और लोअर केस का ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा। ओके, टाइप, लिनक्स जो है दो तरीके का आता है, मतलब एक डेस्कटॉप वर्जन एक सर्वर वर्जन। डेस्कटॉप वर्जन बेसिकली मतलब हमारे नॉर्मल यूजर्स के लिए, उसमें फायर मतलब एक ऑपरेटिंग ब्राउज़र होगा, वर्ड होगा, जो टेक्स्ट एडिटर होगा, मतलब छोटा सा म्यूजिक प्लेयर होगा, ये सारे के सारे हमारे जो बेसिक नीड्स हैं वो पड़े होंगे। GUI इंटरफेस बेस्ड होगा, यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिक राइट क्लिक एंड डबल क्लिक ऑन द आइकन्स, ये आप सारी चीज़ें आप कर सकते हो डेस्कटॉप बेस्ड लिनक्स में, लिनक्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में, जो कि लिनक्स डेस्कटॉप्स आते हैं हमारे नॉर्मल यूजर्स के लिए। लेकिन जो लिनक्स सर्वर है उसमें GUI इंटरफेस नहीं होता है, जो कि GUI इंटरफेस नहीं होता है, वो सिर्फ एक CLI मोड पे काम करता है, मतलब एक ब्लैक टर्मिनल ब्लैक स्क्रीन आएगी, उस पर एक वाइट टर्मिनल पॉइंटर आएगा और वहीं पे आपको सारे के सारे कोड्स लिखने पड़ेंगे और सारे के सारे काम करने पड़ेंगे थ्रू दैट टर्मिनल। लिनक्स सर्वर जो हैं मोस्ट स्टेबल्स होते हैं देन द डेस्कटॉप। GUI इंटरफेस जो है बगी होता है और बग्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारी जो सिक्योरिटी है वो उनमें सिक्योरिटी होल्स आ जाते हैं और ब्रीच सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, इसलिए हम लिनक्स सर्वर से हम GUI इंटरफेस हटा देते हैं और सिर्फ CLI मोड पर काम करते हैं, और CLI मोड जो है मोर पावरफुल देन द GUI इंटरफेस। सो इन लिनक्स सर्वर हम CLI मोड पर काम करते हैं। अगर आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है लिनक्स बेस्ड, अगर आप कोई ऐसा काम करने वाले हो जिस पे सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है देन यू गो फॉर द लिनक्स सर्वर्स, एंड इफ यू वांट टू डू नॉर्मल टास्क देन यू कैन इंस्टॉल लिनक्स डेस्कटॉप वर्जन ऑल्सो।
लिनक्स डेस्कटॉप जैसे उबंटू है, रेड हैट में भी एक ऑप्शन होता है, उसमें भी हम जी यू आई इंटरफेस इंस्टॉल कर सकते हैं डेस्कटॉप के लिए, और फेडोरा है, पैकट्रैक है, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डेस्कटॉप बेस्ड भी आते हैं और सर्वर बेस्ड भी आते हैं। सो यू कैन फाइंड ऑल दीज थिंग्स ऑन इंटरनेट वाई वी यूज लिनक्स। अब हम लिनक्स ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं हम, ऑलरेडी देख चुके हैं, ओपन सोर्स है, फ्री है, सिक्योर्ड है, विंडोज से मोर सिक्योर्ड है क्योंकि विंडोज़ में जी यू आई इंटरफेस होता है जो कि ज़्यादा बगी होता है फॉर द सेटअप द सर्वर। अगर हम एक सर्वर सेटअप करें और वो सर्वर कंटिन्यूसली 2 to 3 months वर्क करता रहे तो विंडोज़ में क्या होगा कि विंडोज़ में डेटा लीकेज होने लगते हैं रैम पर, और अगर विंडोज़ कंटिन्यूसली अपडेट होती रहे तो विंडोज़ जो है स्लो हो जाती है। तो लेकिन लिनक्स अगर आपका 2 to 3 months, 6 months कंटिन्यूसली विदाउट शटडाउन अगर काम करता रहे सर्वर तो कोई भी डेटा लीकेज नहीं होते हैं, कोई भी अपडेट से सर्वर जो है स्लो नहीं होता है, वो प्रॉपरली एज इट इज़ वर्क करता रहता है जब तक कि पावर कट ना हो। अगर आपकी पावर चली गई तब वो शट डाउन होगा, अदरवाइज वो प्रॉपरली वर्क करता रहेगा। एंड वी ऑल नो दैट लिनक्स इज वायरस फ्री। वायरस फ्री मीन्स मोस्टली जो हमारे वायरसेस बनते हैं वो विंडोज़ बेस्ड यूजर्स के लिए बनते हैं, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड विंडोज़ यूजर्स ज़्यादा हैं, तो जो वायरस बनाने वाले अटैकर्स हैं, हैकर्स हैं, वो मोस्टली विंडोज़ प्लेटफॉर्म्स के लिए वायरसेस बनाते हैं जो कि हमारे लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म पर वर्क नहीं करते। लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के लिए भी वायरसेस होते हैं लेकिन उतने नहीं होते जितने कि विंडोज़ के लिए आज की मार्केट में, आज की डेट में अवेलेबल हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ लिनक्स और RHEL। इन नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी लर्न अबाउट द फाइल सिस्टम, बूटिंग सीक्वेंस ऑफ द RHEL एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ RHEL 6.0। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब मी फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।